और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, मुजफ्फरपुर यौन शोषण कांड को लेकर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। एबीपी न्यूज संवाददाता से ये खास बातचीत देखिए, उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर पूरे देश में बिहार सरकार पर थू-थू हो रही है और उस पूरे मामले पर पहली बार एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मौजूद हैं। राबड़ी जी, बतौर महिला जब आप इस घटना को देखती हैं, 3 महीने हो चुके हैं जिस तरीके की कार्रवाई हुई अभी तक, क्या इस पर प्रतिक्रिया है? देखिए, इतना बड़ा घटना हुआ मुजफ्फरपुर में, संसार कर दिया देश को, बिहार को, महिलाओं पर बहुत असर पड़ा है, खराब लगा है। महिलाएं, जितने महिलाएं हमारे हैं, जितने बिहार में देश में महिला बेटी भी है, सबको बहुत खराब लगा कि इस तरह के घटना सरकार के घर में हो रहा है। आम पब्लिक के साथ क्या होगा? सरकार के घर में इस तरह के घटना नहीं होना चाहिए। अब बाकी सरकार चुपकी लगा के बैठी हुई है, सरकार इस्तीफा नहीं दे रही है। CBI के मांग हम लोग किए थे तो उस पर माने CBI का जाँच हो रहा है, तो निष्पक्ष जांच CBI करे तब ना, सरकार के दबाव में है। CBI की जांच से आप लोग संतुष्ट हैं अभी तक, जो इस तरीके की पुलिस ने कार्रवाई की और अब CBI को जांच, हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में CBI जांच करेगी, क्या लगता है कि वाकई में जो कल्प्रिट हैं वो बाहर आ पाएंगे या छोटी मछलियों को पकड़ के CBI, जिस तरीके से इतने केसेस चले आ रहे हैं जिनमें CBI अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है, क्या लगता है इस मामले में हो पाएगा? देखिए, CBI से इसीलिए लोग भरोसा करता है कि CBI अच्छा से जांच करेगी और दबाव में नहीं करेगी, इसलिए दबाव में नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या दबाव तो होगा, भारत सरकार के दबाव होगा, राज्य सरकार के दबाव होगा, यही लोग का सरकार है, दूसरा कोई का तो सरकार नहीं है कि दबाव नहीं होगा। तो इस पर जाँच CBI निष्पक्ष इस पर करना चाहिए। जब 6 साल इधर बिहार सरकार हुआ है मुजफ्फरपुर के घटना से, देश और विदेशों में भी छापना शुरू हो गया है, दिखाना लोग शुरू कर दिया है, सब जगह से शर्मसार कर दिया है बिहार। तो आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री और केंद्र की जो सरकार है वो CBI पर किसी तरीके का दबाव बनाएगी इस मामले में, कार्रवाई सही तरीके से, जांच सही तरीके से न करने के लिए? देखिए, बड़े बड़े इसमें लोगों का हाथ है, बड़े बड़े लोग, नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग हैं। जिसका सरकार है वही लोग होगा और किसी को नहीं होगा। पब्लिक नहीं है इसमें, पब्लिक तो नहीं जा सकता है, सरकारें जा सकता है। जदयू का सरकार है, BJP का सरकार है, दोनों जगह सरकार है, वही लोग जा सकता है। चुप्पी लोग क्यों छटे हुए हैं, चुप्पी लोग साधे हुए हैं। इस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए, इस्तीफा करना चाहिए मुख्यमंत्री को, और जो जो भी इसमें नाम आ रहा है CBI बता रहा है उसको इस्तीफा दिलवाना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए, बच्चियों के साथ इंसाफ मिलना चाहिए। केवल मंजू वर्मा के इस्तीफा देना सही शांत नहीं, बिहार में शांत होने वाला नहीं है। बहुत बड़ा कांड हुआ है, अब बहुत दिन से हो रहा है, सरकार के जानकारी नहीं है। हर विभाग के सरकार हर साल समीक्षा करती है, सब विभाग के, ये विभाग के सरकार क्यों नहीं समीक्षा करती थी, केवल छानबीन नहीं करती थी? जब पैसा इतना इतना सरकार देता था तो उसको तो छानबीन करना चाहिए ना, कौन पैसा कहाँ खर्चा हुआ, क्या हो रहा है लड़की के साथ, तो सरकार के देख रेख में हुआ है ना, ना कि आम पब्लिक ही देखभाल करता है। आम पब्लिक के घर में तो नहीं है, सरकार के घर में थी बच्ची, सेफ होना चाहिए, तो सेफ तो नहीं है वहाँ बच्ची सब। अब मुख्यमंत्री को भी मानते हैं? मुख्यमंत्री को दोषी मानते हैं, उनका देख रेख में हुआ है ना, उनका घर में हुआ है, सरकार के घर में हुआ है, ना कि पब्लिक के घर में हुआ है। BJP JDU का जो आप कह रही हैं, तो कौन लोग होंगे, कौन नेता, किसी का नाम आप बता सकते हैं? नाम तो नहीं बता सकते हैं, नाम नहीं बता सकते हैं, बाकी CBI नाम बता सकता है। CBI को जांच करने के लिए निष्पक्ष दिया गया है तो CBI नाम बताएगा, और दबाव में नहीं आना चाहिए CBI को। जिसका नाम है खुलेआम करना चाहिए, जांच करना चाहिए, निष्पक्ष जांच, बेटियों के साथ राहत मिलना चाहिए। 34 बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला है, महिला आप हैं, आपके घर में 7 बेटियाँ आपकी हैं, उनकी बेटियाँ हैं, बिहार की छवि देश में खराब हुई है? बहुत खराब हुआ है बिहार के, देश भर में शमशाम करने का नाम कोई चीज़ नहीं है। इतना बाहर से भी लोग आता था बिहार में, अब कहाँ कोई आ रहा है बिहार में? 3-4 महीने से घटना साल भर से चल रहा है, कहाँ कोई आ रहा है सुन के? कोई नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या बेटी लोग पढ़ाएगा, क्या बेटी को लोग बचाएगा? एक लाल बढ़िया तो सुरक्षित तो बेटी अपना घर में रहेगी, सरकार के घर में इसीलिए बेटी गई कि सरकार के घर में हम सुरक्षित रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, तो क्या आगे बढ़ेगी बेटी जब
बच्चे से बेटी को दशा सुइया दवाई दे दे के नशा दे दे के कुकर्म लोग किया। कुकर्म को शर्म आना चाहिए, सरकार को शर्म आना चाहिए, तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। हम तो मांग करते हैं इस्तीफा करना चाहिए। उधर मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन्हीं की सहयोगी की सरकार है बिहार में, तो ऐसे कैसे पढ़ेगी बेटी और बढ़ेगी? जो स्लोगन जो दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये झूठा है। यही से साबित हो रहा है कि बेटी सरकार के घर में है, सुरक्षित नहीं है, तो कैसे बेटी पढ़ेगी या कैसे आगे बढ़ेगी, आप बताइए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस दौरान उनको बालिका गृह, माफ करिएगा, उनके एनजीओ को मान्यता मिली थी, और जब वो शुरुआती दौर में थे उस समय आरजेडी की ही सरकार थी, लालू जी के साथ उनकी कुछ तस्वीरें भी आईं, खैर तस्वीरें उनकी नीतीश कुमार और बाकी लोगों के साथ भी है, तो क्या किस तरीके का संबंध लालू जी से था? कोई संबंध नहीं था। आज तक हम लोग नहीं सुने कि वो हमारे ही आता था जाता था, कभी कभी आया होगा, फ़ोटो खिंचा गया होगा, फ़ोटो पर मन जाइए। अच्छा ऐसा होगा तो वो अपने बताएगा, वो तो पकड़ाया है जेल में, नाम लेना सबको, सबको नाम लेना चाहिए, कोई किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, नाम आना चाहिए सबको। अगर इंसाफ करेगा बेटियों के साथ तो उसको भी भला होगा, बेटी लोग के भी भला होगा, राहत मिलेगा। तो राहत तो बेटी के कहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो राहत तो कहीं नहीं मिल रहा। अब 7 साल के बेटी के साथ आप कुकर्म कर रहे हैं, नशा दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, तो ये तो सिर झुकाने वाला काम है सरकार का। तो सिर झुक गया है बिहार का इस घटना से, और राबड़ी देवी की मांग है कि मंजू वर्मा के इस्तीफे से काम नहीं चलने वाला, चूंकि इसकी जवाबदेही सीधे सीधे सरकार पर थी, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस घटना की जवाबदेही देते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे सहयोगी विशाल राय के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज पटना। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।